सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि नाग देवता की पूजा करने और उन्हें दूध अर्पित करने से जीवन मंगलमय रहता है। ये नाग पंचमी ज्यादा खास होगी क्योंकि नाग पंचमी पर एक खास योग बन रहा है। क्या है वो योग, देखिए इस रिपोर्ट में। सावन में नाग पंचमी का है विशेष महत्व। शुक्ल पक्ष की पंचमी को होती है नाग पंचमी। इस दिन नाग देवता की होती है पूजा अर्चना। नाग देवता देते हैं विशेष आशीर्वाद। इस दिन 12 नागों की पूजा का होता है विधान। इस दिन बन रहा है विशेष संयोग। सावन का महीना चल रहा है, सभी शिव भक्त शिव भक्ति में सराबोर हैं। हरियाली तीज के अलावा सावन के महीने में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में तमाम देवी देवताओं की तरह नाग की पूजा का भी विधान है। पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के पर्व के रूप में जाना जाता है। इसमें नाग देवता की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है कि इस बार नाग पंचमी मंगलवार के दिन पड़ रही है, जो मंगला गौरी का दिन भी माना जाता है। और मंगला गौरी के दिन नाग पंचमी पड़ने से विशेष फलदायक दिखाई पड़ रही है। इन दोनों ही योग में पूजा करने से जातक की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पंचमी तिथि 2 अगस्त 2022 मंगलवार प्रातः 5:16 से 3 अगस्त 2022 बुधवार प्रातः 5:20 पर समाप्त होगी। तो वहीं इसकी पूजा का मुहूर्त 2 अगस्त को मंगलवार सुबह 5:20 से लेकर शाम के 8:25 तक है। अगर हम नाग पंचमी की पूजन विधि के बारे में बताएं, तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर लकड़ी की चौकी साफ करनी चाहिए। लकड़ी की चौकी के ऊपर पीला वस्त्र रखकर नाग देवता की मूर्ति बिठानी चाहिए। नाग देवता को हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल और फूल अर्पित कर कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर नाग देवता को स्नान कराना चाहिए। नाग पंचमी के दिन 12 नागों की पूजा का विशेष विधान है। इनके नाम अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्ववर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तच्छक और पिंगल हैं। नाग पंचमी के दिन पूजन के बाद इन सभी नागों को प्रणाम किया जाता है, साथ ही प्रार्थना की जाती है कि उनकी कृपा जातक पर बनी रहे। रिपोर्ट प्राइम टीवी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।